राम की पैड़ी। अपराध, नहाते हुए अपनी ही पत्नी को चूमना। जी हाँ, अगर आप भी किसी तीर्थ स्थल पर अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं और साथ में नहाने की इच्छा रखते हैं तो इस खबर को नजरअंदाज मत करिए। तस्वीरें हैं अयोध्या में राम की पैड़ी की। यहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी को नहाते वक्त चूम लिया तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। वहाँ मौजूद लोगों ने न सिर्फ इस हरकत पर आपत्ति जताई बल्कि पति को घसीटकर पानी से बाहर निकालकर जमकर पीटा भी, और इस दौरान कहा गया ऐसी हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। ये पूरी घटना मंगलवार की बताई जा रही है, जब राम की पैड़ी पर योगा डे पर योगा अभ्यास हो रहा था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम में शामिल थे। बताया जा रहा है कि मंत्री के जाने के 2 घंटे बाद इस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आई। देर रात इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने लगे, जिसमें नहाते समय एक पति अपनी पत्नी को किस करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उस शख्स की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 30 साल के शख्स की 2 से 3 लोगों ने 20 मिनट तक पिटाई की, जिसके चलते उसके चेहरे, कंधे और पीठ पर चोटें आई हैं। वहीं पत्नी अपने पति को छुड़ाने के लिए रोती गिड़गिड़ाती हुई नजर आई, लेकिन उसकी किसी ने भी ना सुनी। वहां मौजूद लोग इसका वीडियो बनाते रहे। अब सवाल ये है कि इस तरह की मारपीट कितनी जायज है। हालांकि सार्वजनिक स्थल पर अपनी ही पत्नी के साथ की गई इस हरकत को जायज तो बिल्कुल भी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस तरह से सजा देने का अधिकार भी किसी के पास नहीं है और मारपीट कर कानून को हाथ में लेना भी एक तरह का अपराध है।